हेलो गाइस, आज के वीडियो आप सीखेंगे इंस्टाग्राम के 5 टिक्स टिप एंड हैक्स। पहला ट्रिक है सॉलिड बैकग्राउंड। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी रैंडम फोटो क्लिक कर लेना है। ओके, ऊपर देख सकते हैं एक ऑप्शन है पेंसिल का, टूल का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वाइट हो जाएगा। नीचे देख सकते हैं बहुत सारे कलर, कोई भी कलर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक कलर को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे तो यहाँ पर आपको वो कलर देखने को मिल जाएगा। जो नेक्स्ट ट्रिक आता है इंस्टाग्राम में, सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी फोटो अपना अपलोड कर लेना है। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और एक फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। इसको हम फुल जूम कर देते हैं और यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको डबल टैप नहीं करना, लॉन्ग प्रेस करना। जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपके सामने वाइट हो जाएगा। नीचे कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर देते हैं। अब ऊपर देख सकते हैं एक ऑप्शन इरेजर का, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह इरेज कर लेना है। इरेजर को आपको बड़ा कर लेना है। बगल में देख सकते हैं एक ऑप्शन है, इसको ऊपर करेंगे तब इरेजर बड़ा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस तरह इरेज कर लेना है। आपका जो फोटो है बहुत ही यूनिक हो जाएगा। इस तरह आपको अलग से लुक मिल जाएगा फोटो का। अगला जो ट्रिक आता है बहुत ही यूनिक है। अगर आप किसी प्रोफाइल में जाते हैं और वहाँ पर किसी फोटो को व्यू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना होगा फोटो पे। आपको इस तरह व्यू मिल जाएगा फोटो का। जो नेक्स्ट ट्रिक आता है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। सबसे पहले आप अपने कैमरे को ओपन कर लीजिए स्लाइड करके। अब यहाँ पर आपको कोई भी फोटो यहाँ से कैप्चर कर लेना है। ओके, ऊपर देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन फिर से आपको मिलता है तो यहाँ पर एक कैमरा का ऑप्शन देख सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। फोटो कैप्चर होने के बाद आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे सामने तिरंगा है। तिरंगे पर हमें फोटो को एडजस्ट करना है। उसके लिए फोटो को आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसको साइज को रिसाइज कर सकते हैं, मतलब कि अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, इस तरह आपको नज़र आ रहा है। अगर हम इसे बीच में लाना चाहते हैं तो बीच में भी ला सकते हैं। अगर इस फोटो को साइड में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। जहाँ पर आपको करना है फोटो को, जहाँ पर लगाना है, तो इस तरह आप फोटो को लगा सकते हैं। अगला जो ट्रिक आता है उसका नाम है शैडो ड्रॉप। यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लीजिए। तो हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेते हैं। इसको ब्लैक कलर कर देना है। यहाँ ब्लैक सेट करेंगे और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे। आपको इस तरह नज़र आएगा। इसको यहाँ पर जूम कर लेते हैं। अब फिर से आपको यही चीज़ टाइप कर लेना होगा और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। ओके, और इसे हमें वाइट रहने देना, वाइट कलर में। यहाँ पर डन पे क्लिक कर देते हैं। वाइट कलर टेक्स्ट को आपको ब्लैक कलर के ऊपर लाना है। तो यहाँ से आप पकड़ेंगे और इसको इस तरह आपको ला देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं शैडो ड्रॉप, आपको एक टेक्स्ट मिल गया। अगला जो ट्रिक आता है इसका नाम है यूनिक फोटो कैसे कैप्चर करें। उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा खोल लेना है। ऊपर देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, पहला फ्लैश और यहाँ पर इमोजी का। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नीचे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कोई भी फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो ये अंडरलाइन आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम एक फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह आपको फ़ोटो नज़र आएगा लाइटिंग के साथ। अगला जो ट्रिक आता है लोकेशन टैग। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। हम एक फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। ओके, जूम कर लेते हैं। ऊपर की साइड में देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और लोकेशन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका लोकेशन फाइंड करने के लिए आपका लोकेशन ओपन करना होगा। तो लोकेशन मैंने ओपन कर दिया है। कोई भी लोकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसे नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कलर भी चेंज होगा। नेक्स्ट और लास्ट ट्रिक है, इसका नाम है जूम। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसमें किस तरह जूम लाएं, तो सबसे पहले आपको कैमरा को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करते ही आपको इस तरह आगे की तरफ करना है। जैसे आगे करेंगे बहुत सारा जूम आपको नज़र आ रहा है, पीछे करेंगे, दाएं करेंगे, बाएं करेंगे, इस तरह आप जूम इफेक्ट ला सकते हैं अपने वीडियो में। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद चैनल को जो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।